तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरडे कोच में। दोस्तों, एक बार मैंने क्रूड ऑयल में 17,000 रुपये का प्रॉफिट किया था, तब आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की थी। और वो स्ट्रेटजी कितनी वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, मैं आज आपको उस स्ट्रेटजी पर दोबारा ट्रेड करके जो मैंने पोजीशन ली है उसके बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा जिरोधा का टर्मिनल है और इस समय 31 जनवरी है, 20:45 का टाइम है और क्रूड इस समय 3931 पर चल रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइव प्रॉफिट है मेरा 14,810 रुपये का। आप देख रहे हैं, साथ में आज 31 जनवरी को छोटी छोटी हमने कुछ ट्रेड ली थी। ये सारी जो छोटी छोटी ट्रेड हैं, ये सारी ट्रेड हम केवल इसलिए लेते हैं कि आप लोगों के लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकें। इस स्ट्रेटजी को मैं टेस्ट करता रहता हूं जिससे कि आपको हम अच्छी स्ट्रेटजी दे सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है 14,630 रुपये, 14,720 रुपये, इस तरह से ये प्रॉफिट लगातार चेंज हो रहा है। और आप एक चीज़ और नोट करिए कि मैंने 9 क्रूड ऑयल मिनी की लॉट बाई की है और इसका रेट है, जिस समय मैंने बाई की है, 3765, और इस समय 3930, 14,810 रुपये का इस समय प्रॉफिट है। तो दोस्तों, आखिरकार मैंने ये 3765 पर क्यों ली थी, मैं आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। मैं इसके चार्ट पर चलता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको ऑसम स्ट्रेटजी, ऑसम ऑसिलेटर, बहुत कमाल का ऑसिलेटर है दोस्तों। पिछली बार भी मैंने इसी से प्रॉफिट किया था जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। देखिए, हमने क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है। इस डेली टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहला लो बनाया है इसने, मतलब नीचे की तरफ इसके बार्स बने हैं, ये दूसरा बार्स बने हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये ट्विन बार जो सेकंड बना था, इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये ट्विन बार पे हमने 3297, यहाँ पर देखेंगे आप हाई 3257 के आसपास हमने यहाँ पर बाई किया था। देखिए, 3257 के आसपास, और मैंने इसमें 17,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। दोस्तों, इसके बाद मैंने उस मंथ का तो एक्सपायरी हो गई थी, नेक्स्ट मंथ की मैंने फिर बाई की है। तो देखिए, जब ये ऑसम ऑसिलेटर के जो हिस्टोग्राम चार्ट है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो परफेक्ट बाई बनता है। हमने आपको उस दिन बताया था कि मैंने एग्रेसिवली ट्रेड ले लिया था, लेकिन एक्चुअल ट्रेड कब बनता है, जब ये जीरो लाइन के ऊपर जाता है। तो जीरो लाइन के ऊपर देखिए, ये पहला बार बना, ये दूसरा बार बना, ये तीसरा बार बना। जब तीसरा बार बना तो मुझको कन्फर्म हो गया कि क्रूड जो है वो बाइंग पोजीशन में है और अब ट्रेंड में है, इसलिए इसको बाई करना चाहिए। तो जैसे ये थर्ड बार बना, मैंने इसमें बाइंग की पोजीशन बना ली। जब हम थर्ड बार पर कर्सर रख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है। देखिए, मैंने थर्ड बार पर कर्सर रखा 3680 से 3779, 3779 हाई है, और मेरा जो बाइंग प्राइस है आप देख सकते हैं 3765 है। तो देखिए, मैंने इसको हमने बाई किया था इस थर्ड कर्सर पर, और देखिए ये अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर ये दो की बाद तीसरा भी रेड बन जाता तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता, लेकिन अभी भी मैंने पोजीशन होल्ड की हुई है। और जब तक ये लगातार 3 बार रेड नहीं बनेंगे तब तक हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज आप अभी देख रहे हैं कि मेरे को इस समय 15,350 हो गया प्रॉफिट। आपसे बात करते करते सर, अभी 14,800-900 रुपये था, अब 15,350 हो गया। तो दोस्तों, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको इसके ऊपर वर्क करिए और आप मंथली में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हमने आपसे जब बात की थी तब जनवरी का शायद, हमारे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद 15 दिन के अंदर मैंने 17,000 का प्रॉफिट लिया था। और उसके बाद मैंने ये जो ट्रेड बाई की थी, ये थी आपकी 16 जनवरी के आसपास, और आज 31 जनवरी है। 15 दिन के अंदर फिर से आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट 15,440 रुपये दिखा रहा है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और आप अगर इस स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अब आपसे क्या कहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे 1 महीने के अंदर 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर होने के लिए मैं सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।